हेलो, मेरे को एक दो लोगों ने कॉल करके बोला कि मेरा कल वाला वीडियो में आवाज़ आ रहा था और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन थी, क्योंकि आरटीपीसीआर एंटीजेंट इनमें किसी को भी डिफरेंस नहीं पता होता है। तो मैंने बोला रेमडेसिविर के जो मैंने इंजेक्शन पे वीडियो बनाया था उसमें भी अच्छी इन्फॉर्मेशन थी, तो दे टोल्ड की समझ में ही नहीं आया था। तो मैं आज उसी वीडियो को जो पार्ट टू था उसको रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। अभी कोविड होता है अपन को, वो रेमेडी सीवर करके रेमेडीज रेमेडीज एक इंजेक्शन चल रहे हैं, वो सब लोग देते हैं। वो कुछ नहीं है, दे आर ऑक्सीजन बूस्टर्स। वो लंग्स को ऑक्सीजन बूस्ट करते हैं। सबसे ज़्यादा सही रेंज में वही इंजेक्शन है जिसकी मार डाल है और सबको चाहिए। इशू होने का तरीका, आपको आधार कार्ड देना है, डॉक्टर की ओरिजिनल प्रिस्क्रिप्शन देनी है एंड आपको रिपोर्ट देनी कोविड की। कोविड की रिपोर्ट में आप सीटी आरटीपीसीआर कुछ भी दे सकते हो, देन गवर्नमेंट आपको इशू करते हैं। अब 100 एप्लीकेशन जाते हैं, गवर्नमेंट के पास 15 है, तो गवर्नमेंट देती है जिनके 75%, 80%, 50% लंग्स खराब है। और एक्चुअली अगर आपका 30-40% लंग्स खराब है तो वो इंजेक्शन्स आपको इफेक्ट करते हैं और हेल्प करते हैं, ठीक है। तो वो इंजेक्शन हम लोग लेट एडमिट होते हैं इसलिए लेट देने शुरू होते हैं, जबकि वो इंजेक्शन फोर्थ फिफ्थ डे से अगर मिलते हैं तो आपके लिए बेटर है, तो वो इफेक्टिव है। 7th-8th डे के बाद, 80% डैमेज के बाद, दे आर ओनली ऑक्सीजन बूस्टर, कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा है 5th-4th डे में, जब स्टार्टिंग लंग्स में जाना शुरू होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि सीटी की 4 दिन के बाद लंग्स की रिपोर्ट करवाते हैं ना, लंग्स का सीटी करवाते हैं, तो द सेम थिंग। अब इन इंजेक्शन का डोज के साथ है 5 डेज 5 डोज। तो लोग सोचते हैं 5 इंजेक्शन लगते हैं, नहीं, फर्स्ट डे 100 mg के 2 इंजेक्शन लगते हैं, फिर एक एक इंजेक्शन 5 दिन लगता है, तो टोटल 6 लगते हैं, 6 से 11 तक लगते हैं। मेरे हस्बैंड को 10 लगे हैं, 11, तो 6 इंजेक्शन 5 डोज। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकेंड, इशू कैसे होता है उसका तरीका मैंने आपको बता दिया। ब्लैक में तो हर रेट में बिक रहा है, और ब्लैक में जो मिल रहा है उनमें पानी ही बहुत है। सिप्ला कंपनी और कुल मिला के 10 कंपनियाँ बना रही हैं, 899 से लेके 3599 तक इसकी MRP है। MRP लोग बहुत ब्लैक में खरीद रहे हैं, मैंने ब्लैक में नहीं खरीदा है। एक ख़रीदा कि उनको यूज़ नहीं आया, उन्होंने दे दिया। तीन मुझे मेरे जगह पे सिलवासा में गवर्नमेंट से इशू हुए, बाकी मैंने यहाँ पे आके गवर्नमेंट इशू करवाया, कि गवर्नमेंट की ओरिजिनल। फर्स्ट 2 इंजेक्शन जो देते हैं वो एक ही ब्रांड के एक साथ चढ़, क्योंकि एक साथ चढ़, उसके बाद दूसरे ब्रांड के आप दे सकते हो। ये इंजेक्शन 2 तरीके के होते हैं, एक तो पाउडर होता है, कुछ कंपनीज में लिक्विड आता है। तो वो क्या करते हैं, इतना सा ग्लूकोज का बॉटल रहता है ना, उसमें इंजेक्शन से निकालते हैं, उसमें डालते हैं, मिक्स कर लेते हैं, हिला लेते हैं, जैसे रसना नहीं मिला लेते एंड ड्रॉप की तरह आपको ग्लूकोज की तरह चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। इन इंजेक्शन को फर्स्ट थिंग आपको टाइम पे देना है, सेकेंड थिंग आपको फिफ्थ डे से देना शुरू करना है और कोर्स पूरा करना है। तो इसके लिए ध्यान रखिए कि बाद में कोई फ़ायदा नहीं होता इतना। प्रश्न को हमने 10th-11th दे दिए, कोई बूस्ट नहीं, ठीक है। तो मे बी वो वीडियो में सुनाई नहीं पड़ रहा था, ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगा। गुड नाइट। आप क्लेम करो।